नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखते हैं कि बंक एक्चुअल में जो इतना ज्यादा हाइप मचाए हुए और सीबा, दोनों में से आपको कौन ज्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं फिलहाल अगर बंक को, तो चूंकि मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि जब नदी या कोई एक ऐसा धारा जब बहता है ना, तो अपने साथ साथ बहुत सारी चीजों को बहाते हुए लेके चला जाता है। ठीक वैसा ही अभी अगर फिलहाल बंक को देखिएगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लिए हुए, मतलब मार्केट कैप जितना उतना ज्यादा, उसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम भी आ रहा है। अभी हम इस चीज को आगे स्क्रीन पर भी देंगे। बट अभी आप देखिएगा अगर सीबा में, तो सीबा में उतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम जो चाहिए ना, वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं उसमें अभी भी लैग कर रहा है। तो आइए हम स्क्रीन पर आकर के यहाँ पर चेकआउट करते हैं कौन ज्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ बंक में देखते हैं तो बंक अभी कम्युनिटी जो है ना काफी ज्यादा एक्टिव है। देखिए, अभी भी यहाँ पर 1 बिलियन से भी ज्यादा का यहाँ पर वॉल्यूम 24 आवर में सिर्फ जनरेट हो जा रहा है। मार्केट कैप 1.55 बिलियन है और लगभग 1 बिलियन है। वही सीबा में देखते हैं तो देखिए, सीबा में मात्र 230 बिलियन मिलियन है ना का ही अभी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लगभग 5 गुना से भी ज्यादा कम यहाँ पर वॉल्यूम जो है सीबा में, मतलब बंक से कंपैरेटिवली करे तो कर रहा है। हाँ, अभी देखिए प्राइस सीबा में बढ़ा है, नो अनडाउटेडली सीबा में प्राइस बढ़ा है। सीबा वही का वही अभी, मतलब ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखाया। अगर आप इसको लास्ट कुछ मंथ में देखते हैं तो ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर दिखाएगा आपको 30 डेज और लगभग इस साल, तो 30 डे में देखते हैं तो लगभग 14 डे में देखते हैं तो 19.9% 19-20% से अभी ऊपर गया है। तो लगभग सीबा भी रुका हुआ है। बट जो गेम चेंजिंग आएगा वो यही आएगा कि बंक, देखिए बंक में कंटिन्यूस लिस्टिंग हुए हैं। अगर आप लास्ट टर्न पे अगर आप स्टार्टिंग, मतलब 2023 के स्टार्टिंग में देखते हैं, जब पेपे ऊपर कंटिन्यूस लिस्टिंग हुआ था और बाइनेंस पे आया था, तो उसमें भी आपको वैसा ही पंप दिखा था। अगर आप पेपे को भी खोलेंगे तो उसका भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर पेपे सर्च कर लेता हूँ, पेपे ऑलराइट ना, ऑल टाइम हाई को यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बाइनेंस का लिस्टिंग था, उसके बाद से देखिए कितना ज्यादा मार्केट गिरा। बात को समझिए, लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस गिरा और अब तक गिरा हुआ ही है। सेम चीज मेरे ख्याल से बंक में भी आपका रिपीट हो सकता है। मार्केट तो अभी फिलहाल ऊपर है, बट अभी गलती से भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा बंक में, आप वेट कीजिए, मार्केट आपको खुद ही मौका देगी। पेपे भी सक्सेस किया, बंक भी सक्सेस किया, सीबा भी सक्सेस किया, लेकिन सीबा सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे काम किया, मतलब वो अपने आप को सॉलिड ब्लॉकचेन तक ला दिया अपने आप को। यहाँ पर देखिए, सीबा सक्सेस किया, पेपे सक्सेस किया, तो कुछ उतना ज्यादा अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन क्या मीम के तरह ही उसको लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो गिरा भी। सीबा का जो मेन पॉइंट रहा भाई, सीबा सक्सेस तो किया, लेकिन सीबा पहले बॉन्ड लाया, लीसेज लाया, सीबा स्वेप लाया, सीब द मेटावर्स लाया, है ना, सीब मैगजीन लाया, अभी देखिए तो सिबेरियन खुद का ब्लॉकचेन लाया। अभी फिलहाल देखते हैं तो उनका कहना क्या है भाई, देखिए एक और अभी आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो सिब में मेजर बर्निंग ला रहे हैं। अब देखिएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर देगा, देखिए बंक में आपको यहाँ पर देखते हैं तो इसका सप्लाई 100 ट्रिलियन है, इससे ज्यादा है सिबा 589 ट्रिलियन और ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब कि टोटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई बर्निंग के बाद से लगभग इक्वल हो गए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा, है ना। लेकिन बंक में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए बंक में भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 100 ट्रिलियन में से अभी 60 ट्रिलियन ही सर्कुलेशन में है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इन्फ्लेशन अभी है, कुछ ना कुछ इन्फ्यूचर चल के आगे आएगा। तो अगर वो अपने आप में कंटिन्यूस वर्क करता है तो ठीक है, वहां पर एक रेंज बनेगा, अन्यथा मेरे ख्याल से वहां पर एक डंपिंग आपको देखने को अभी भी मिलेगा। एक और चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, जैसा कि पेपे में आप पेपे के साथ हुआ भाई, यहाँ पर बहुत अच्छा छलांग लगा, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करता 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 वॉल्यूम ज्यादा चला गया, है ना। अभी फिलहाल देखते हैं तो बंक में देखिए कितना, मैंने बताया 1 बिलियन से भी ज्यादा 24 आवर के में ही वॉल्यूम आ जा रहा है, लेकिन सीबा में उतना नहीं आ पा रहा है। सीबा में जो प्रोजेक्ट है उनका जो वर्किंग का जो स्टाइल है, पहले अपने आपको मजबूत कर रहा है, इसके बाद चूंकि सप्लाई फिक्स है, सप्लाई घटाएंगे, सप्लाई घटाने का आप ट्रांजेक्शन उनका देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। अब फिलहाल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, शिव ने कई बार यहाँ पर ट्वीट्स करके भी दिखाया, या आप शिव का ट्रांजेक्शन के पोर्टल पर भी जाकर के वहां पर सिबेरियन का ट्रांजेक्शन को नोटिस करेंगे तो 1.14 मिलियन के आसपास उनका ट्रांजेक्शन लगभग हो चुका है। इनका कहना है कि अभी भाई कुछ और होगा तब जाकर के सेलिब्रेशन करेंगे, बट सिबा में एक मेगा जो है बर्निंग कहीं ना कहीं लेकर आने वाला, जो कि सीबा के प्राइस को ड्राइव कर सकता है। ऑलरेडी सीबा ऑलरेडी अपना 10 गुना डाउन है अपना प्रीवियस, अगर उसका प्राइस को देखते हैं तो, है ना, क्योंकि लगभग यहां पर 1-0 को किल करेगा, लगभग मतलब मान के चल सकते हैं 1-0 को तो कैसे भी करके ये किल करेगा, जहां तक मेरा अनुमान है इस बार, है ना, क्योंकि इसके पास जो यूज केस है हर चीज को, जैसे
कर रहे हैं प्लस कंटिन्यूस बर्न कर रहे, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो शिबा आपको ज्यादा ही अच्छा करेगा कंपेरेटिव लेते तो। पेपे को और बंक को दोनों को अपने ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करना होगा क्योंकि शिव की जो आर्मी है उसकी बिहार में बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ना। ओके आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलता है अपने वीडियो। थैंक यू।